हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट वन फॉर जनरल साइंस स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम पे जाइए वहाँ पे सर्च करें मलिक ट्यूटोरियल और इस चैनल को ज्वाइन करें आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप बाकी मॉक टेस्ट्स को भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले की लिंक है वहाँ पर जाके आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है विच एन्जाइम डाइजस्टस प्रोटीन्स इन दी स्टामक ट्रिप्सिन पेप्सिन सेलिवरी एमाइलिस पैनक्रियाटिक कैनल विच एनजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन बताइए कौन सा एंजाइम इनमें से तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वाइटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयोडीन कैल्शियम आयरन फॉस्फेट विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है आपको बताना है विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इसका आंसर है सी ऑप्शन आयरन है इसका करेक्ट आंसर वाइटामिन सी हमें सिर्फ प्लांट फूड के अंदर मिलता है इसका आंसर हो जाएगा सी सी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू गैस वैक्यूम लिक्विड मेटल साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू बताइए क्या होगा इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा बी वैक्यूम बी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ इज ग्रेटर एट पोल्स दैन एट इक्वेटर ग्रेटर एट इक्वेटर दैन द पोल सेम एट बोथ प्लेसेस कांस्टेंट एवरीवेयर जी इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट ये पता है सबको द वैल्यू ऑफ एक्जिलेशन डू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ इज तो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ जहां पे अर्थ की रेडियस कम ग्रेविटी मैक्सिमम जहां पे अर्थ की रेडियस ज्यादा ग्रेविटी मिनिमम तो बताइए क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेटर एट पोल्स दैन ऐट इक्वेटर सेंटर में जीरो होगी और मिनिमम होगी इक्वेटर के ऊपर इसका आंसर है ए ग्रेटर एट पोल्स दैन ऐट इक्वेटर नेक्स्ट है विच गैस इज यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन कौन सी गैस यूज होती है एज फायर एक्सटिंग्विशर तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए कार्बन डाइऑक्साइड ए है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स विच विटामिन विटामिन ए वाइटामिन सी वाइटामिन डी वाइटामिन ई वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास वाइटामिन सी वाइटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो जाती है ठीक है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, स्पीड वेलोसिटी, टाइम ऑल ऑफ द अबो स्केलर और वैक्टर क्वान्टिटीज होती है आपको बताना है वैक्टर इनमें से कौन सी है तो जी हाँ बी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर वेलोसिटी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज हीलियम नाइट्रोजन मीथेन ऑक्सीजन लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ बायोगैस बताना है हमें बताइए क्या है इसका आंसर तो इसका आंसर है सी ऑप्शन मीथेन है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज वाट वाट आवर, किलोवाट आवर किलो जूल, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी किलोवाट आवर नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड रेन दैट इज नाइट्रोजन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ये बोल रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन बताइए कौन सा इनमें से तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी कार्बन मोनोक्साइड सी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है अ सोलो वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन सनी डे क्लाउडी डे हॉट डे विंडी डे सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी क्लाउडी डे बी है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ऑबटेनिंग फूड बाय एमोबा इज नोन एज डायलिसिस साइटोकाइनिस फेगोसाइटोसिस एमोबिस एमोबियासिस प्रोसेस ऑफ ओपटेनिंग फूड बाय एमोबा बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा सी फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच एमोबा यूज्ड इट्स फ़ॉल्स फीड और सीडोफोडिया टू कैप्चर इट्स फूड नेक्स्ट है हमारे पास द टू ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन आर फिश एंड फ्रॉग फ्रॉग एन अर्थवम लीच अन अर्थवम फिश एन अर्थवम दो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन बताइए कौन से दो ऑर्गेनिजम्स तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन लीच एंड अर्थ फॉर्म इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है करेक्ट नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी सब्सटेंसेज अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स इन प्लांट जाइलम कंपेनियन सेल्स फ्लोम टू चाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी सब्सटेंसेज अपवु एज वेल एज डाउनवर्ड्स इन प्लांट तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी फ्लोम नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑफन कार्ड ग्लैंस ऑफ इमरजेंसी थारॉइड पिचुट्री अड्रीनल पैनक्रियास ग्लैंस ऑफ इमरजेंसी इनमें से किसको बोला जाता है तो सी अड्रीनल है इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है इन अ फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ स्नेक ग्रास इंसेक्ट एंड फ्रॉग द सेकेंडरी कंज्यूमर इज इंसेक्ट स्नेक फ्रॉग ग्रास बताइए क्या होगा इसका आंसर देखिए ग्रास को कौन खाता है ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट इंसेक्ट को कौन खाता है फ्रॉग और फ्रॉग को कौन खाता है स्नेक ग्रास है प्रोड्यूसर इंसेक्ट है प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर और स्नेक है टेरिट्री कंज्यूमर तो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आया ग्रास प्रोड्यूसर इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग है सेकेंडरी कंज्यूमर तो सी ऑप्शन फ्रॉग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजे इज कॉज बाई प्रोटीन डेफिशेंसी एनीमिया क्वाशकर हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑल ऑफ दबोव कौन सी डिजीज हो जाती है प्रोटीन डेफिशिएंसी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी क्वाशकर नेक्स्ट है द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन क्लोरोफ्लोरोबंस डिप्लीशन इन दी ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाई तो इसका हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोबन डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर नेक्स्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ ऑलवेज नेवर समटाइम्स व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू करंट ओनली इफ तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट है इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रुदोफर्ड चार्डविक जे जे थॉम्सन मैन ऑफ दीज हु फर्स्ट डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जे जे थॉम्सन सी है इसका करेक्ट आंसर सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब